हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। इन सभी अपडेट्स पर डिटेल्स में बात करेंगे वन बाय वन। जुड़े रहिए मेरे साथ, वरना बहुत कुछ आज आप मिस कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सब्सक्राइब कीजिए गेम ऑफ विनिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए WWE से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। फर्स्ट अपडेट जुड़ी है NXT के बड़े स्टार लार्ड सुलेवन से। जैसा कि वो मेन रोस्टर में अपना आगाज कर चुके हैं या कह सकते हैं करने वाले हैं, जिसके बाद लार्ड्स को एक फ्री एजेंट के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी डेब्यू वीडियो दोनों ब्रांड पर दिखाई गई है। बट अभी ये फाइनल नहीं है कि वो किस ब्रांड पर जाने वाले हैं। लार्ड्स को दूसरा ब्रॉक लेसनर कहा जा रहा है। वहीं आप सभी को बता दूं, लार्ड्स एक सनकी टाइप सुपर स्टार हैं, लाइक ब्रॉक लेसनर। मेरा मतलब, रिंग में काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। आई होप उनके लिए WWE के पास काफी अच्छा पैकेज हो, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के बाद से ही WWE इनकी काफी हाइप मेन रोस्टर में बना रही है। उम्मीद करी जा रही है कि ये दोनों ब्रांड में खेलते हुए दिखाई देंगे और इनकी इमेज काफी खतरनाक वाली होगी, और इन्हें एक मॉन्स्टर के तौर पर डाला जाएगा जो किसी भी सुपरस्टार को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जॉन सीना के बाद ये फ्री एजेंट होंगे जो दोनों ब्रांड के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट और बड़ी अपडेट जुड़ी है WWE सुपरस्टार के इंडिया आने से। जी हां, एक बड़ा सुपरस्टार इंडिया आने वाला है। अभी हाल ही में स्मैकडाउन लाइव में जेफ हार्डी के WWE में 20 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। वहीं अब जेफ हार्डी के भाई मैट हार्डी इंडिया आने वाले हैं। मैट हार्डी 4 से 7 दिसंबर तक इंडिया में रहने वाले हैं। इस दौरान वो मुंबई और चेन्नई विजिट करेंगे। वो यहां अपने वोकन कैरेक्टर में फैंस से मिलेंगे और WWE का प्रमोशन करेंगे। मैट हार्डी ने इंडिया आने को लेकर ट्वीट भी करा, जिसमें लिखा है, फैंस रेडी हो जाओ, मैं इंडिया आ रहा हूं। इससे पहले भी काफी WWE सुपरस्टार इंडिया WWE को प्रमोट करने आते रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ब्रांड रेटिंग से, वो भी इस वीक की। आप सभी को बता दूं कि इस बार रॉ का एपिसोड इतना खास नहीं था, वहीं स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड ने इस बार रेटिंग्स के मामले में रॉ को पीछे छोड़ दिया है। रॉ की रेटिंग्स गिरने का साफ साफ रीजन था कि इतने बड़े शो में कुछ कंक्लूजन नहीं था। वहीं रिपीट होती चीजें हमें देखने को मिली। वहीं रॉ में बड़े बड़े प्रोमोस दिखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता है, ना ही उनका कोई कंक्लूजन देखने को मिलता है। बट स्मैकडाउन लाइव में इस बार काफी कुछ क्वालिटी मटेरियल दिखा, इसी वजह से वो रेटिंग में रॉ से आगे निकलता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रोमन रेंस की बीमारी से। WWE के बड़े सुपरस्टार एज ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में रोमन रेंस की बीमारी के बारे में बोला। एज काफी बड़े सुपरस्टार रहे हैं WWE के, हालांकि टाइम से पहले उनका करियर WWE में इंजरी की वजह से खत्म हो गया। बट यहां इंटरव्यू में उनसे काफी सवाल करे गए, जिसमें से एक सवाल रोमन रेंस की बीमारी के ऊपर भी था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे इंजरी की वजह से रिटायरमेंट लेना पड़ा, वहीं बीमारी के बाद हम जीने और मरने की बात कर रहे हैं। ये ल्यूकेमिया एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल भी सुनना नहीं पसंद करते, जो अपने करियर में काफी बड़ा रहा हो और जो बिल्कुल सुपर हीरो जैसा है। पहली बार मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे काफी दुख हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि रोमन रेंस लोगों को इस तरह दुख महसूस नहीं कराना चाहते थे। मैं उसके लिए महसूस करता हूं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपने परिवार के बीच में है और यही वजह है जो वो अब कर रहे हैं। मैंने और पूरे WWE यूनिवर्स ने रॉ पर देखा और सोचा कि पल वास्तव में काफी मुश्किल था। उसने इसे अच्छी तरह और क्लास के साथ हैंडल करा, जो कि काफी अप्रिशिएट करने वाली बात है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें बिना कहीं मत जाइएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे स्विंग ब्लेड चॉक स्लैम मारकर चैनल सब्सक्राइब करें, मगर प्यार से। थैंक यू।